नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि अक्षरा सिंह ने फिर बदल दिया अपना रास्ता। इसी के बारे में आप सभी को बहुत ही बड़ी खबर देने वाला हूं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, पहले अक्षरा सिंह सभी के साथ फिल्म बनाती थी, फिर उसके बाद केवल खेसारी लाल यादव जी के साथ फिल्म बनाने लगी, फिर उसके बाद पवन सिंह के साथ चली गई अक्षरा सिंह, और फिर से अक्षरा सिंह सभी के साथ काम करना शुरू कर दिया है, जो कि पवन सिंह को छोड़कर और रितेश पांडे को। लेकिन सोशल मीडिया में एक खबर चल रही है कि अक्षरा सिंह पवन सिंह के एक गाने पे रील बना दिया है। तो दोस्तों, आप सभी को बता देना चाहता हूँ, वो खबर पूरी तरह से गलत है, एडिट करके डाला गया है अदर आईडी से। अगर अक्षरा सिंह के ऑफिशियल आईडी पे आप लोग चेक करेंगे, यानी इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे, तो ये रील आप सभी को नहीं मिलेगा, यानी पवन सिंह के गाने वाला पर रील नहीं मिलेगा। दूसरा गाना पे रील बना हुआ है, जो कि आप लोग वहाँ पे जाकर चेक भी कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये खबर जो सोशल मीडिया में चल रही है कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के गाने पे बनाया रील, ये पूरी तरह से गलत है। सोम्या पोखरेल का पूरी तरह से सही था, लेकिन ये अक्षरा सिंह वाला पूरी तरह से गलत है। और अक्षरा सिंह इस समय सभी के साथ काम कर रही है, सिर्फ पवन सिंह और रितेश पांडे को छोड़कर। और हाल फिलहाल में अक्षरा सिंह एक नई फिल्म का शूटिंग कर रही है प्रदीप पांडे चिंटू के साथ, जिस फिल्म का नाम है अग्नि साक्षी। हाँ तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और भोजपुरी के दबंग स्टार खेसारी लाल यादव के बहुत सारे फैंस लोगों का कमेंट आ रहा था कि इस पे वीडियो बनाइए, और हमने इसीलिए ये वीडियो बनाया, आप सभी को बताया। हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। और दोस्तों, ये मेरा वीडियो यदि पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।